O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम शिव सूत्र के बारे में बात करेंगे, जिसका कि पहला पार्ट हम ले चुके हैं। 1 से 6 सूत्र तक हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अभी हम लोग क्या नाम है छठे सूत्र के ऊपर आएंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये जो शैव सूत्र है, ये कश्मीर शैविज्म का अद्वैत का विज्ञान है, यानी भगवान शिव का रेवलेशन है। और इसके अंदर 3 या ट्रायड्स में सब चीज़ है, जैसे शिव, शक्ति और नर। नर जो है ये बाउंड सोल है, और ऐसे ही ये इसमें 3 अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे परा, जो हाईएस्ट जिसकी बात की जाती है, परापरा, और इसके अलावा अपरा, जो डिफरेंशिएट होता है। जैसा कि हम लोग को सामने दिख भी रहा है, ये लिटरेचर में त्रिका सिस्टम है, जिसका ये अगम शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। इसको वासु गुप्ता जी को रिलीव नमस्कार वासु गुप्ता जी को रिवील किया गया था। ये डायरेक्ट रेवलेशन है, इसलिए इसमें जो है कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि ये डायरेक्ट शिव का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान शिव के बारे में जो कि है हमेशा शिव मंगल करोति, जैसे भी शम मंगलम करोति, भगवान शिव सबका भला करते हैं। जो भगवान शिव को याद करता है उसका भला वो करते हैं, ऐसा कहा जाता है। दिस इज द शिव मीन्स प्योर ऑस्पिशियस, और कल्याणकारी आत्मा या ब्रह्म भी कहा जाता है। और जो शिवा है वो क्या है, अल्टीमेट रियलिटी और सुप्रीम स्पिरिट। ये शिव सूत्र की ट्रीटीज के अंदर ये अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में ही बात की गई है, और जिससे कि रियलाइजेशन किया जाना है। और इसके 3 मेथड्स हैं, शंभवो पाया, शक्तो पाया और अंगो पाया। इसके अंदर कुल 77 सूत्र हैं, जिसमें पहले जो हमारा सेक्शन है शंभवो पाया, उसमें कुल 22 सूत्र हैं, और दूसरा है शक्तो पाया, उसमें 10 हैं, और अणवो पाया में 45 सूत्र हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टीचिंग इमर्ज हुई हैं मैजिकल वर्ल्ड में, कश्मीर वैली, जैसा हम जानते हैं कितना सुंदर और कितना अच्छा। एक समय पे वहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट लोग हुआ करते थे, और बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, चाइना, ग्रीस, तिब्बत और कई जगह से। और वहाँ इतने स्नोई माउंटेन्स, प्रीस्टाइन लेक्स, रिवर्स थे, और इन सब की वजह से वहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग का एक बहुत अच्छा एटमोसफियर बना हुआ था। इसीलिए कश्मीर को शंग्रीला कहा जाता था, बट दैट इज नाउ लॉस्ट। मगर शैविज्म जो है ये इटर्नल इसेंस की चीज है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। शैवाइट्स थॉट्स जो हैं ये सुपर्ब एक्सप्रेशन है संस्कृत का, जैसा कि कहा जाता है। और ये बहुत अच्छे ऋषि हुए अभिनव गुप्ता, जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं शैविज्म के, वो काफी मतलब एनलाइटेंड थे।
इसके बाद जैसा कि हम लोग देख चुके हैं ये 9th 10th सेंचुरी में ये पाया गया, तो हम लोग क्विकली आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये संस्कृत के शब्द चूंकि यहाँ यूज किए गए हैं, सूत्र के दो माने होते हैं, एक तो रस्सी या मतलब एक अगर सिरा हमें पकड़ में आ जाए तो हम दूसरा भी पकड़ सकते हैं। तो ये सूत्र हैं मतलब जिनसे हम कितनी गहराई या कहाँ तक जा सकते हैं इसका। और दूसरा सूत्र का अर्थ जो होता है वो होता है कि कोडिफाइड लैंग्वेज। तो यहाँ पे कोडिफाइड और लेयर्ड या वेल्ड लैंग्वेज यूज की गई है। संस्कृत भाषा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा बिल्कुल सीक्रेट कोड है। जैसे हम देखें इसके अंदर हम लोगों ने एक को दिखाया हुआ है, तो ये सारा का सारा एकदम वेल्ड मीनिंग होता था, छिपा हुआ मीनिंग, कि जो लोग समझ सकते हैं या जिन लोगों की कॉन्शियसनेस काफ़ी इवॉल्व है वो ही समझ सकते। ऐसा ही होता था अर्ली सिविलाइजेशंस में, अनासाजी, केल्ट्स या इंडस वैली की यहाँ पे बात की गई है, वो एनकोडेड नॉलेज वहाँ पे दी जाती थी। और ऐसे ही यूएफओज जो मिले हैं क्रैश करे हुए, उनके अंदर भी सिंबल्स ऐसे कहे जाते हैं कि ये पाए जाते हैं। तो ये एकदम कोडिफाइड लैंग्वेज है और सिंबल्स से ही इसको बताया जाता है। और विजडम, इवेंट्स, इवन वार्निंग या जो भी दी जाती है ये सारी की सारी सिंबल्स के माध्यम से दी जाती है। यहाँ एक और बहुत अच्छी बात आती है कि हम लोग चूंकि कलयुग में हैं तो अब ये सिम्टम है, अदरवाइज पहले लिखा नहीं जाता था। ये परंपरा गुरु शिष्य परंपरा में था कि एज इट इज वर्बेटिम चीज दूसरे को दे दी जाती थी और वो आगे एज इट इज पास होती थी, कोई चीज कहीं लिखी नहीं जाती थी। तो ये कलयुग में ही ये शुरुआत हुई है, ये लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये एंशियंट इजिप्ट सिंबल के बारे में है। ये सिंबल्स बताते हैं जैसे कि हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटीज में भी कुछ लिए गए, कुछ यहाँ पे एंशियंट सिंबल हमने दिखाने की कोशिश की है जिनसे कि सारी की सारी बात को कहने के लिए ये सिंबल्स यूज किए जाते थे। एक और सिंबल की यहाँ पे बात करते हैं, ये इजिप्शियन सिंबल है रा ट्रेवलिंग थ्रू द अंडरवर्ल्ड। इसके हम ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे, ये सिर्फ हम इस संदर्भ में बता रहे हैं कि ये बहुत ही गंभीर और जो इवॉल्व लोग थे उनको समझाने के लिए ये बातें होती थी और संस्कृत में बहुत ही कोडेड लैंग्वेज यूज की जाती है। और संस्कृत इसीलिए कहा जाता है कन्फ्लुएंस ऑफ मैनी मीनिंग, ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द है, एक ही शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग्स हो जाते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर हम थोड़ा सा संस्कृत लैंग्वेज जिन्होंने पढ़ी है या जो लोग समझते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि एक ही शब्द से संस्कृत के अंदर कितना कितना वो कर लिया जाता है। सारी दुनिया की हर चीज एक ही शब्द से निकाल के लिखी जाती है। अगर किसी को याद हो जैसे कि राम का मतलब मित्र, राम का शत्रु, और ऐसे ही करके इसको पूरा का पूरा लैंग्वेज में डिपिक्ट कर दिया जाता था एक ही दो शब्द को बार बार यूज करके। और संस्कृत में जितनी पावर है उतनी और किसी के अंदर नहीं है लैंग्वेजेस में जो हम लोगों ने बाकी डेवलप कर ली। तो ये जो लेयर्स थी ये अकॉर्डेंस विद द रिलेटिव लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना जिस लेवल पे है उस लेवल पे हम उसका मीनिंग समझ पाएंगे। इसीलिए जीसस ने कहा कि जिनके पास कान है सिर्फ वो ही सुन सकते हैं, तो ये संस्कृत टेक्स्ट में अप्लाई करता है। और ये कश्मीर शैवाइट्स या टेक्स्ट की जिनकी बात कर रहे हैं ये पूरी तरह वेल्ड हैं, आवरण में रखे गए, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो उसको जानना चाहते हैं या जो उस कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। ये नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ये सिर्फ क्यूरियस लोगों के लिए नहीं है। दे वर नेवर इंटेंडेड फॉर पीपल हु वर ओनली क्यूरियस। अब यहाँ पे संस्कृत में एक शब्द देखें हम, प्रकाश, जिसका अर्थ है प्योर कॉन्शियसनेस अर्थात शुद्ध चेतना, शाइनिंग ल्यूमिनस एफुलजेंस। प्रकाश जो है ये फिजिकल लाइट नहीं है, इस बात को हम समझ लें।
बट रादर द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस चेतना का प्रकाश है जिसमें सब चीज दिखती है, सब कुछ दुनिया का दिखता है, पर इसका कोई इंग्लिश पर्याय नहीं है। ये कश्मीर शैवाइट टेक्स्ट का इंटेंशनली वेल किया गया है ताकि इसको समझा जा सके, या जो कुछ लोग इवॉल्व हो गए हैं वो ही समझ सके। हम लोग क्विकली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम सीधे 6 सूत्र हो गए थे, 1 से 6 सूत्र, तो अब हम 6 सूत्र 6th सूत्र पे सीधा आ जाते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था इसलिए 6th सूत्र पे, जहाँ पे लास्ट हमने समाप्त किया था पिछली बार, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 6th सूत्र है, शक्ति चक्र संधाने विश्व संधारा, अर्थात शक्ति चक्र मीन्स द ग्रेट पॉइंट और सेंटर थ्रू विच पोटेंशियल डिवाइन पावर डिसेंड्स फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट इनटू द रियल्म ऑफ द मैनिफेस्ट। संधान माने यूनियन थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा यूनियन, या नोइंग बाय बिकमिंग, वो बन जाना। विश्व मीन्स द यूनिवर्स, संघार मीन्स बिकम मर्ज्ड इन द सोर्स, सोर्स में एक हो जाना। डिसअपीयर फ्रॉम द माइंड बाय बिकमिंग एसिमिलेटेड विद कॉन्शियसनेस और रियलिटी। तो इस संदर्भ में हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। By contemplation on the center through which divine power descends and manifests, the universe consciousness reverts to its original pure state. दोबारा से उस original pure state में आ सकती है जब हम विश्व का संघार कर लेते हैं, शक्ति चक्र का संधान करते हैं। यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं जो कि हम समझना चाहेंगे। जैसे महाबिंदु है, हमने सूत्र 1 में भी इसको जिक्र किया था, तो वहाँ पे जो हम 6th सूत्र की बात कर रहे हैं, अव्यक्त सृष्टि, अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि बनी है और उसी के अंदर ये लय हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है जब प्रलय आता है, और फिर से व्यक्त सृष्टि बनती है, बिगड़ती है। ये सब अव्यक्त के अंदर ही होता है, जिसको हम अनमैनिफेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये अव्यक्त जो है वो व्यक्त सृष्टि अव्यक्त के अंदर ही है, और ये एक प्रवेश द्वार की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि महाबिंदु है। महाबिंदु अव्यक्त सृष्टि में है और वो प्रवेश द्वार है। एक साइड में उसके व्यक्त सृष्टि है, यानी कल्पनामय या असार दुनिया है, वो अलग है, और एक अव्यक्त या निहित शाश्वत जगत है जो अनमैनिफेस्ट है। यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो रियलिटी है, वास्तविकता है, ये पूर्ण और समेकित है, परफेक्ट है। उसके एक साइड में फेनोमिना है जो कि विश्व बनता है, दुनिया बनती है, और एक साइड में वो प्रलय हो जाती है या लय हो जाती है, और वो फिर से अव्यक्त में ही का ही पार्ट है, वो बाहर नहीं है, अव्यक्त के अंदर ही व्यक्त सृष्टि पूरी बनती है। यहाँ पे ये जानना आवश्यक है, ये कह रहे हैं कि शक्ति ग्रेट पॉइंट से, जो शांत शक्ति की बात की जा रही है, महाबिंदु से अवतरित हो और ये व्यक्त सृष्टि की रचना करती है। ये जो अनमैनिफेस्ट है, इससे डिसेंड होके शक्ति जो है वो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स को बनाती है, व्यक्त सृष्टि की रचना की जाती है, और ये पूरी प्रोजेक्ट होती है। सृष्टि की संपूर्ण मशीन को चलाता कौन है? ये सब अव्यक्त के अंदर ही है। संपूर्ण मशीन को चलाया जाता है मेंटल यूनिवर्स के द्वारा। वो उसी बिंदु से शुरू होता है जो महाबिंदु है, और इसमें छोटे छोटे बिंदु सब समाहित रहते हैं।
मगर वहां पे एक केंद्र है, ये कहा जा रहा है अगर वहां से कोई व्यक्ति अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा ले तो एक साइड में उसको अव्यक्त सृष्टि देखती है और दूसरी साइड में व्यक्त, तो वो जो महाबिंदु है वहां तक वो अपनी चेतना को उठा सकता है, तो संपूर्ण व्यक्त सृष्टि को नीचे से उच्चतम बिंदु तक वो देख सकता है। और वो इंसान ये भी देख सकता है कि कहाँ कहाँ मोह माया या भ्रम है, और जो इसको जान जाता है वो इससे बंधन से मुक्त तो हो सकता है और मूल शुद्ध स्थिति में अपने को पहुंचा सकता है। ये पहला पॉइंट था जो हम बात कर रहे थे। अब शक्ति चक्र की बात कर लेते हैं। अभी शक्ति की बात हुई है, शक्ति वहां से ही सारी उतरती है और मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्टेशन का सारा ड्रामा हम लोग जानते ही हैं। तो अब ये व्यक्त सृष्टि बनती है और महाबिंदु से ही बनती है, और ये सारे के सारे तत्व एलिमेंट्स प्रिंसिपल में जो कि 36 हैं, अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, वो अवतरित होते हैं अव्यक्त से ही और व्यक्त सृष्टि को बनाते हैं। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ये ताकत या शक्तियाँ अवतरित होती हैं, और ये जो शक्तियाँ हैं ये प्रत्येक जीव के अंदर होती हैं, चाहे वो कोई भी जीव है उसके अंदर ये होती अवश्य हैं, और ये छिपे हुए तरीके और रहस्यमय तरीके से उसके अंदर एक केंद्र होता है, एक बिंदु होता है जिसको डोर या दरवाजा कहा गया है, वो शक्ति केंद्र कहलाता है। वो शक्ति का केंद्र, उसी से शक्ति अवतरित होती है उस जीव के अंदर। और जैसा हम जानते हैं उसके अंदर हर लेवल पर, यानी फिजिकल एस्ट्रल लेवल, मेंटल लेवल और हाईएस्ट लेवल तक अप एंड डाउन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस कितनी इवॉल्व है। इसी को यहाँ पे कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो भी ब्रह्मांड में है उस पिंड के अंदर सब कुछ है, और वो शक्ति चक्र के माध्यम से वहां पे उतरती हैं शक्तियां। वो केंद्र है, वो दरवाजा है जिसके थ्रू वो शक्तियां आती हैं, और अगर उसके अंदर पूरा कॉन्शियसनेस उसकी इवॉल्व है तो ऊपर से नीचे तक हर लोक, इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि आत्मिक लेवल तक भी वो जा सकती हैं अगर कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व है। और ये सब तरीके के प्राणियों के अंदर है। यहाँ पे ये भी बात कही जा रही है शैविज्म के अंदर कि चाहे वो स्थूल जगत है चाहे सूक्ष्म जगत है, प्रकृति ने हर एक के अंदर ये दे रखा है। एक वहां पे जर्म है, पॉसिबिलिटी है, वो डोर्स हैं, वो पॉइंट्स हैं, वो दरवाजे हैं जिनके थ्रू चेतना एक तल से दूसरे तल तक उठ सकती है, जा सकती है। यही सारे संचार केंद्र हैं ऊर्जा के, इस बात को हम समझ लें। ये शक्ति चक्र जो है यही दरवाजे, यही ऊर्जा के संचार केंद्र हैं जिनसे चेतना एक तल से दूसरे तल तक आ और जा सके। अब हम संधान की बात कर लेते हैं। यहाँ संधान जो बात की जा रही है, यूनियन थ्रू मेडिटेशन जिससे विश्व बनता है। तो अगर जो इवॉल्व योगी है उसने अपनी चेतना को इतना उठा लिया है और उसने पिछले जन्मों में मेहनत की है, तो रियलिटी और डायरेक्ट परसेप्शन से उसकी चेतना की गहराइयों में सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति उसे हो जाती है, और इन चक्रों के द्वारा वह कार्य करने लग जाता है जिससे कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर प्लेन के ऊपर ये शक्तियां चेतना के माध्यम से, उसकी चेतना के थ्रू आती और जाती हैं जिससे कि वो उनको देख सकता है और प्रत्येक पे कार्य कर सकता है। और इस स्थिति में जब वो योगी की चेतना इतनी इवॉल्व हो जाती है कि वो जो शक्ति चक्र हैं, अभी जिनों की बात की गई है चक्रों की, उनके थ्रू लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक वो आ जा सकता है, तो वो विश्व संहार कर लेता है, अर्थात
वो मर्ज हो जाता है सोर्स के अंदर, वो एक हो जाता है, वो स्रोत में लय हो जाता है, जहां से अवतरित हुआ था वहीं पहुंच जाता है। दूसरे शब्दों में मन से जगत का विलीनीकरण हो जाता है, यानी डिसअपीयरेंस हो जाता है पूरा उसके माइंड, और वो उच्च चेतना या रियलिटी को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र में आएंगे, या नेक्स्ट सूत्र के पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि मैनिफेस्टेशन की अभी जो बात कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन या वर्ल्ड प्रोसेस, इसको देख लें कि ये जो सारा का सारा सृष्टि में विश्व निर्माण की प्रक्रिया है, ये कैसे होती है। 36 एलिमेंट्स शैविज्म में कहे गए हैं। तो व्यक्त सृष्टि जो है, अभी जो हम लोगों ने बात करी कि अव्यक्त सृष्टि से बनती है, मैनिफेस्टेशन और द वर्ल्ड प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन को ग्रेट डिटेल में जानने के लिए जरूरी है कि हम इस प्रोसेस को जाने कि अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस यानी शिवा की जो चेतना है वो हाईएस्ट लेवल की है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हम इसको कह सकते हैं, दिस इज अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस। और ये डिवाइड हो जाती है जब शक्ति अवतरित होती है, या जब ये सारा ड्रामा बनता है, ये व्यक्त सृष्टि बनती है, तो वो जो पावर है वो ओपन आउट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और उसकी वजह से सारा का सारा पैराफर्नेलिया या हमें मैनिफेस्टेशन का वर्ल्ड प्रोसेस दिखता है। इसमें 36 तत्व कुल कार्य में आते हैं, और ये एक से एक धीरे धीरे सघन होते चले जाते हैं। जो ऊपर या हाईएस्ट है इस दृष्टिकोण से, वो डेंसर कम होगा, और जो नीचे होगा वो ज्यादा डेंसर होता चला जाएगा। तो जो फर्स्ट तत्व है वो हाईएस्ट और प्योरेस्ट वाइब्रेशन होगी उसके अंदर, सबसे उच्चतम और शुद्धतम उसके अंदर वाइब्रेशन होगी। और ये कॉन्शियसनेस चूंकि हम जानते हैं शिवा की है, तो अनऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्शियसनेस और लाइट है। जैसे जैसे वो नीचे उतरता है ये तत्व, तो लाइट डार्केन होती जाती है, अंधेरा होता जाता है धीरे धीरे, और आवरण के ऊपर आवरण, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, जो थियोसफी कहती है कि इतने ज्यादा आवरणों के साथ हम देखते हैं कि हमको पता नहीं चलता। तो कुछ आवरण को हटाने की कोशिश करी है थियोसफी ने, तो उन्हीं की बात की जा रही है। ये इतना विश्व निर्माण की प्रक्रिया में ये डल हो जाता है, इग्नोरेंट हो जाते हैं हम, और हैवीनेस आ जाती है। इस प्रोसेस में ये मटेरियल यूनिवर्स यानी ये दुनिया बनती है, और यहाँ पे माया का प्रसार पूर्ण रूप से हो जाता है, और वो आवरण बन जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, पूर्ण रूप से माया का ही खेल होता है। बिकॉज कॉन्शियसनेस इज द ओनली वन सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, ये कहा जा रहा है इस विश्व के अंदर ये सिर्फ कॉन्शियसनेस ही एक सब्सटेंस है, उसी से 36 तत्व बने हैं। 36 तत्व जो अलग अलग बने हैं, ये और कुछ नहीं है, ये अलग अलग कॉन्शियसनेस पे जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी वजह से है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लंबाई की तरंगों का स्पंदन या कंपन होता है हर लेवल के ऊपर, मतलब जितना जितना नीचे जाते हैं उतना ज्यादा ज्यादा उसका स्पंदन जो है या कंपन बढ़ता जाता है, और तरंग छोटी होती जाती है। ये तरंग दैर्ध्य और स्पंदन दो शब्द हैं साइंस के, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है और कुछ नहीं है, जो तत्व हैं 36 तत्व, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये बिहेव करते हैं अलग अलग तरीके से, और इनके अंदर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है, उस पर ये वाइब्रेट करते हैं। कॉन्शियसनेस एक ही है। अब आगे देखें, इसमें जो मोस्ट डेंस स्टेज जो नीचे दिखती है, वहां पे भी हायर तत्वास्तु हैं, मगर वो सामने दिख नहीं रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं है, वो प्रकट नहीं है,
वो तत्व सारे के सारे जो हाईएस्ट तत्व है वो भी है उसके अंदर, जो नीचे वाइब्रेशन हमें दिख रही है जब हम नीचे आते जाते हैं। एट एवरी पॉइंट एंड इन एवरी कंडीशन मैन हैज एक्सेस टू हायर कॉन्शियसनेस, कहा जा रहा है ये उच्चतम कॉन्शियसनेस की एक्सेस तो उसको हर तत्व की है, मगर उसका मूवमेंट, उसको इनर मूवमेंट से वो वहां तक पहुंच सकता है अगर हायर कॉन्शियसनेस में जाना चाहता है नीचे की कॉन्शियसनेस में। तो ये कहा जा रहा है हायर में जाने के लिए उसको इनर मूवमेंट या अटेंशन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूनिवर्स में इसको कंसीव किया गया है, ओपनिंग आउट है। तो ये जो मूवमेंट है ये सारा का चारा, क्योंकि हम जानते हैं कि हृदय से या हार्ट से, ये सेंटर से, इसके पॉइंट से निकलता है, ये लीनियर मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है। अब हम देखें ये 36 तत्व क्या क्या हैं। ये 36 तत्व हैं, सबसे पहला तत्व जो हम जानते हैं प्योरेस्ट फॉर्म है शिव, परम शिव जो है वो पारलौकिक हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, जो सबसे ऊपर गोला दिखाया गया है। इसके बाद ये इसमें शिव और शक्ति दोनों को दिखाया गया है एक साथ, वो हमने जैसे बात की अल्टीमेट रियलिटी है। इसके बाद शिवा और शक्ति, शिवा के अंदर विश्वोत्तीर्ण कहलाता है, निरंतरता है, क्रिएटिवनेस है, ये शिव है। और इसके बाद दूसरी शक्ति है वो है शक्ति तत्व। शक्ति तत्व शिवा की ही एनर्जी है, ये जो है पहला शिव तत्व है, ये प्रथम स्पंद कहलाता है, स्पंद यानी वाइब्रेशन जो बात की जा रही है परम शिवा की वो है। दूसरा शक्ति तत्व है, शक्ति तत्व जैसा हम जानते हैं पहले भी ये चर्चा हो चुकी है कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू अलग अलग कहे जा सकते हैं, ये अलग नहीं किए जा सकते, और जब भी इनको अलग किया जाएगा तो उसके अंदर प्रेडोमिनेंस हो सकता है किसी एक शिव या शक्ति का हो, बट वो उनको अलग नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते हैं, तीसरे तत्व की बात करते हैं, वो है तीन एस्पेक्ट जो हम थियोसफी में जानते हैं, विल, विजडम, एक्टिविटी, वो ही तीन एस्पेक्ट हैं। विल प्रेडोमिनेंट होती है जब शिवा की, तो ये सदाशिव कहलाता है, सदाख्या बोलते हैं इसको। इसको सदाख्या कहा गया है। जो नेक्स्ट है जिसमें विल पावर इच्छा होती है और यही प्रेडोमिनेंट होती है। इसके बाद चौथा तत्व है ईश्वर या ऐश्वर्य तत्व, ये विजडम है, यहाँ नॉलेज से ही सारी प्रेडोमिनेंस है इसके अंदर, तो ये ईश्वर या ऐश्वर्य तत्व कहलाता है ईश्वर का। पांचवा सद विद्या या शुद्ध विद्या तत्व यानी एक्टिविटी, सद विद्या तत्व में ये एक्सपीरियंस होता है बैलेंस की तरह, जिसमें शक्ति प्रेडोमिनेंट होती है और ये एक्टिविटी के साथ कार्य करती है। तो ये पांच तत्व हो गए, पहला शिव, दूसरा शक्ति, तीसरा सदाशिव, चौथा ईश्वर और पांचवा सदाशिव, शुद्ध विद्या या सद विद्या पांचवा। तो यहाँ तक जो है ये सारे के सारे प्योर फॉर्म है, आइडियल है, इसलिए इनको परफेक्ट कहा जाता है, प्योर ऑर्डर, शुद्ध तत्व है, ये पांच शुद्ध तत्व है। इसके बाद अशुद्ध तत्व चालू होते हैं यानी माया का प्रसार। तो छठा सबसे पहले जो है इसमें आता है माया, और फिर माया के पांच कंचुक हम लोग जानते ही हैं। तो छठा है माया, माया जो कि है नहीं पर आभासित है, ऐसा ही बार बार कहा गया है। मा मीन्स वैसे मेजरमेंट है कि हम कितना इसको जो है मेजर आउट कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस मेजरेबल है, लिमिटेड है। तो माया के कंचुक हैं इसके बाद,
हम अपने रियल नेचर को पूरी तरह भूल जाते हैं और माया के वश में आ जाते हैं, आवरण हम ओढ़ लेते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ये संकोच या कॉन्ट्रैक्शन है हमारे रियल पावर का। जैसे अभी हमने बात करी 1 से 5 तक शुद्ध तत्व, अब अशुद्ध तत्व। नेक्स्ट 7वां तत्व कहलाता है कला। कला में यानी हम जानते हैं सर्व कर्तृत्व भाव हमारा समाप्त हो जाता है, ऑथरशिप समाप्त हो जाती है। हम कहाँ पैदा हुए, हम कौन रिलीजन के हैं, हमारा क्या नाम है, हम क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इन सब चीज़ों से हमारी जानकारी होती है। यही हमारी कला है कि हम क्या करते हैं इस दुनिया में, क्या सीखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, तो ये कला है। अब 8वां तत्व है विद्या। हालांकि अविद्या कहेंगे इसको, मगर इसका नाम यहाँ विद्या है। ये विद्या सीखना या हमारा ओमनिशियंस, जो हमारा शिवत्व था, सर्व ज्ञानत्व, वो समाप्त होता। तो ये 8वां विद्या है। 9वां राग है। अब हम पूर्णत्व तो हमसे समाप्त हो जाता है, तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जब समाप्त हो गया तो डिजायर हमारी बन जाती है, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं होता, तो हम राग में फंसे होते हैं। तो ये राग कहलाता है 9वां तत्व। 10वां काल है। हम काल में बंध जाते हैं, मतलब इटर्निटी थी जो हमारे अंदर, वो इटर्निटी समाप्त होके अब हमारे अंदर जो नित्यत्व था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। हम काल के बंधन में रहते हैं, काल समय और स्थान इन सब में हम बंध जाते हैं। नेक्स्ट है 11वां नियति। ये भूत वर्तमान भविष्य, ये सब जो है हम इन सब के अंदर काल में बंधे हैं। अब नियति हो जाती है, जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ परवेसिवनेस था, वो स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। पहले हम व्यापक थे, कहीं भी कुछ कर सकते थे, लिमिटेशन आ जाती है। तो अभी इसको हम ये समझे कि 11 तत्व हो गए कुल मिला के, 5 तो शुद्ध तत्व थे और ये 6 ये अशुद्ध तत्व, माया और माया के 5 कंचुक, यानी 6, 5 और 6, 11। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो लिमिटेड इंडिविजुअल है उसकी बात की जा रही है। अब हम और लिमिटेशन में आ जाते हैं। तो 12वां पुरुष कहलाता है। शिव की जो माया शक्ति है वो लिमिट होके यूनिवर्सल नॉलेज से पावर को समाप्त करके पुरुष में या एक संवेदनशील प्राणी बन जाता है सब्जेक्ट। ये सारा का सारा अब पुरुष हो जाने के बाद पुरुष को प्रकृति चाहिए, तो अब उसको जो हमारा सब्जेक्ट था उसके लिए ऑब्जेक्ट, तो ये प्रकृति कार्य करती है। तो प्रकृति जो है अब आ जाती है, ये 13वां नंबर हो जाता है हमारा तत्व। तो इस तरह हम लोग 13 तत्व हो गए। अब मेंटल ऑपरेशन चालू होता है, यहाँ से माइंड की शुरुआत स्टार्ट होती है। अभी तक हम लोग शुद्ध और अशुद्ध तत्व और पुरुष प्रकृति तक आए, जो ये मैन था लिमिटेड इंडिविजुअल। अब 4th पॉइंट आता है, वो है तत्वाज ऑफ मेंटल ऑपरेशन। अब बुद्धि आती है, बुद्धि या बुद्धिमत्ता जानने के लिए, ज्ञान जानने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये बुद्धि है, ये 14वां तत्व है। और 15वां अहंकार है। अहंकार यानी बुद्धि की उपज या उत्पाद। अब ये देखें 14 से ही जो बुद्धि तत्व था उसे ही अहंकार बना। ये आई प्रिंसिपल है, ये अहंकार वो अहंकार नहीं है जो दुनिया में हम नॉर्मल समझते हैं, ये आई है, आईनेस है, जिसकी वजह से सारा एप्रोप्रिएशन होता है, हम स्वयं को उपयोग करते हैं। इसके बाद ये 16 नंबर पे मनस आता है, मनस माइंड, ये भी उपज है अहंकार की, क्योंकि मनस इस अहंकार या आईनेस की वजह से मनस पैदा होता है। यह इंद्रियों का सहयोग करता है जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान पाया जा सकता है और इससे प्रतिबिंब और अवधारणाओं को बनाया जाता है। तो इस तरह ये 16 तत्व हो गए कुल मिला के। नेक्स्ट सेंसिबल एक्सपीरियंस के हमारे तत्व
आ जाते हैं हम 17 से 31 तक। अब हम देखें इसमें इंद्रिय गम्य या इंद्रिय गोचर अनुभव हैं, जैसे कि सबसे पहले सेंस परसेप्शन हमारे स्टार्ट होते हैं, ये 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां या बुद्धिरेंद्रियां कह सकते हैं, जिनसे हम इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं सेंसेस। जैसे 17वां है स्मेलिंग, घ्राणेंद्रियां। इसके बाद टेस्ट की हैं रसनेन्द्रियां, जो कि जीभ की इंद्रियां हैं। और 19 हैं चक्षुन्द्रियां, आँख की इंद्रियां जिससे हम देखते हैं। 20वां है स्पर्श की इंद्रियां, फीलिंग टच, स्पर्शेंद्रियां इनको कहते हैं। और 21वीं हियरिंग या श्रवणेन्द्रियां कहलाती हैं, सुनने कान की इंद्रियां ये सब। तो ये 5 हमारे ज्ञानेन्द्रियां हो गई। अब ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये कर्म करते हैं, वो हैं जैसे हस्तेंद्रियां हैंडलिंग, वागेंद्रियां स्पीकिंग बोलने की इंद्रियां, हाथ की इंद्रियां जिसको हस्तेंद्रियां हैंडलिंग कहते हैं, लोकोमोशन पादेंद्रियां और एक्सक्रीशन पावेंद्रियां मलमूत्र की इंद्रियां जो हैं, और सेक्सुअल एक्शन या उपास्थेंद्रियां। तो इस तरह ये 26 हो गए कुल तत्व। अब इसके बाद 5 तन्मात्राएं आती हैं। तन्मात्राएं जैसा हम जानते ही हैं कि परसेप्शन की पावर से हमारी, जिससे हम सुन पाते हैं वो कहलाते हैं शब्द तन्मात्राएं, ये 27वीं है। 28वीं स्पर्श तन्मात्रा है। 29वीं कलर या रूप तन्मात्रा है। और 30वां रस तन्मात्रा। और 31वां ऑडवर या गंध तन्मात्रा। इसके बाद सबसे अंत में मैटेरियलिटी, जो सबसे लोएस्ट है वो है तत्वास मैटेरियलिटी, जिसको हम पंचभूत कहते हैं। ग्रॉस एलिमेंट्स 5 पंच महाभूत। सबसे पहला इसमें जो 32 नंबर तत्व है, ये आकाश है। ये शब्द की वजह से ईथर, मतलब ये शब्द तन्मात्रा की वजह से है आकाश, ईथर। और वायु है, ये स्पर्श तन्मात्रा की वजह से एयर। और अग्नि तेज, ये रूप तन्मात्रा या फायर। और इसी तरह 35वां हमारा है रस तन्मात्रा की वजह से अपस या जल जिसको कहते हैं। और 36वां है पृथ्वी, जो कि गंध तन्मात्रा या अर्थ की वजह से है, जिसको रामचरितमानस में कहा गया है छित जल पावक गगन समीरा, ये पंचभूत है। और फिर आगे सृष्टि सारी, हम सब का शरीर, हम सारी दुनिया सब इसी से बनती है। तो इस तरह ये प्रकृति में ये इस तरह मैनिफेस्टेशन होता है। ये 36 मैनिफेस्टेशन, मतलब ये पूरा हो गया। अब हम आते हैं, एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, या यूं कहें हम कि 7, 8, 9, 10 ये 4 हैं, ये चारों एक साथ ही सूत्र हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसी से हमको साक्षी भाव को जानने में मदद मिलती है, या हम कुछ मेहनत करके पूर्या के बारे में समझ सकते हैं और जीवन में अपने पूर्या साक्षी भाव अपने में जगा सकते हैं। 7वां सूत्र है, देखें, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे पूर्या भोग संवित संभवा। जागृत मीन्स वेकिंग स्टेट, स्वप्न मीन्स ड्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सुषुप्ति द स्टेट ऑफ प्रोफाउंड स्लीप इन विच देयर इज कॉन्शियसनेस बट नो प्रत्यय, कोई प्रत्यय कंटेंट नहीं। भेदे बाय पियर्सिंग थ्रू द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज द हाइएस्ट एंड फ्रॉम विच द प्रीवियस 3 स्टेट्स आर डिराइव्ड। अभोग मीन्स एक्सपेंशन, संवित मीन्स कॉन्शियसनेस परसेप्शन, संभवा
become possible. So I guess Tanmayji is commenting on it by piercing through the lower three states of consciousness. Yani lower three consciousness ki states hain, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनको अगर पियर्स किया जाए या इन पे वर्क किया जाए, इनके ऊपर थोड़ा बार बार सोचा जाए, देखा जाए, इसके ऊपर अपने को सेंटर किया जाए, तो इट बिकम्स पॉसिबल फॉर कॉन्शियसनेस टू एक्सपैंड इनटू द फोर्थ स्टेट फ्रॉम विच द लोअर थ्री स्टेट्स आर डिराइव्ड. अब आगे देखें, ये शिव सूत्र के अंदर टेम्मी जी ये कह रहे हैं कि ऐसे होल अलग अलग स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन पे सारे इंसान हैं और सबके लिए एक मेथड नहीं हो सकता. वो ये कह रहे हैं कि ये हाईली डेवलप्ड स्पिरिचुअली जो हैं उनके लिए अलग मेथड होगा और जो लोअर रंग्स ऑफ लैडर ऑफ एवोल्यूशन है यानी एवोल्यूशन की सीढ़ी पे नीचे हैं उनके लिए वो मेथड काम नहीं करेगा. तो आगे ये कहना है कि संभवो पाया यानी जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है ये जो उपाय है ये कह रहे हैं कि ये बहुत हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिचुअली लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले जन्मों में काफी कार्य कर लिया है और वो हाईली डेवलप्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर तो उनकी जो प्रगति होगी थोड़ा सा इसको जो कार्य करेंगे वो बहुत रैपिड और आसान होगी. ये ऑर्डिनरी साधका के लिए साधक लोगों के लिए इन्होंने कहा है नहीं है मगर इसमें कंटेम्पलेशन करना है स्पिरिचुअल नॉलेज को तो डेवलप स्टेट वाला बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकता है. आगे वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली इज इट इजी फॉर हिम टू अनफोल्ड हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर रीजंस गिवन अबव बट ऑन अकाउंट ऑफ हिज हैविंग एस्टैब्लिश्ड इंटीमेट कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस विद इन हिम इन हिज प्रीवियस लाइफ ही हैज अर्नड द राइट टू इनवोक द पावर. पिछले जन्मों में उसने जो करा है उससे उसने अर्जित करा है और वो आगे बहुत रैपिड अनफोल्डमेंट कर सकता है तो पावर जो है वो डिसेंड करती है इंक्रीजिंग मैनर में और वो अपने अंदर सारे चेंजेस कर सकता है और उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो बहुत फास्ट और अनएक्सपेक्टेड होंगे. आगे ये देखिए कह रहे हैं कि पोटेंशियलिटी उसके अंदर है उस इंसान के अंदर जो काफी कुछ अपने को इवॉल्व कर चुका है डिवाइन लाइफ उसके अंदर है और वो इस कॉन्शियसनेस को बहुत आगे बढ़ा सकता है. सेल्फ रियलाइजेशन उसको डायरेक्टली उसको डिफरेंट लेयर्स जो हैं कॉन्शियसनेस की उनको पियर्स करना है यानी उनको छेदना है उनको भेदना है उसको बार बार देखना है समझना है तो ये जो इसमें हिंट की गई है उसको देख के उनके थ्रू वो आगे जा सकता है. और यहाँ पे शिवा की जो कॉन्शियसनेस है क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है और एक रियलिटी में वन रियलिटी में वो अपने को आत्मसात कर सकता है उसके साथ एक हो सकता है उसकी अलग अलग लेयर्स में इसको शिव योगा भी कहा गया. और ये स्पिरिचुअली मैच्योर लोगों के लिए फिर से उन्होंने वही बात करी है जो लोग बहुत मैच्योर हैं स्पिरिचुअली उनके लिए ये इजी है कि वो ये जो अभी बात कर रहे थे कि मैनिफेस्टेड यूनिवर्स को पूरा अपने अंदर समाप्त कर सकते हैं और वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो भी हमने शक्ति चक्र संधान की बात की थी वो कर सकते हैं. इट शुड ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड दैट दिस डायरेक्ट मेथड ऑफ पेनिट्रेशन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अटेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन मेडिटेशन ऑन शक्ति चक्र. यही बात की जा रही है. महाबिंदु से वो देख सकता है कि सारी की सारी व्यक्त सृष्टि क्या है और अव्यक्त सृष्टि का भी पार्ट उसको वहां से देख सकता है यानी वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. तो ये चौथी अवस्था है जो कि ये कह रहे हैं अव्यक्त सृष्टि में या उसका पार्ट. अब हम लोग क्विकली और भी इसी के पार्ट को ग्लांस कर लेते हैं. ये आठवां सूत्र है इसी के साथ है क्योंकि सात आठ नौ दस आठ नौ दस में उन्होंने तीन अवस्थाएं बताई हैं वही जागृत जागृत की बात की जा रही है
ऑल नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू जागृत इज इंक्लूडेड विद इन द कैटेगरी ऑफ वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा कहा जा रहा है जागृत और वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जो वाइडेस्ट सेंस में है, ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव सेल्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किससे, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पूरी रिलेशनशिप है हर प्लेन के ऊपर, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जागृत स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जनरली ऐसा माना जाता है कि वेकिंग स्टेट है फिजिकल प्लेन पे। अगर वो कह रहे हैं इसको हम और आगे बढ़ाएं इसी सुपर फिजिकल प्लेन्स या हायर एस्ट्रल मेंटल उनमें, तो देन जागृत स्टेट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन एनी प्लेन इन विच इट इज सेंटर्ड एंड विद हूज ऑब्जेक्ट इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर इसमें एस्ट्रल प्लेन के ऑब्जेक्ट भी हैं तो वहाँ पे भी होगा, ये इनका कहना है। ये इसलिए सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, एस्ट्रल मेंटल जो भी है प्रत्यय होगा वो सारे प्रत्यय है। बट इन प्रेजेंट एफोरिज्म इट्स सिग्निफिकेंस इज मेड स्टिल मोर कॉम्प्रिहेंसिव बाई कंसिडरिंग ऑल द प्लेन्स ऑफ यूनिवर्स। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात टेमनी जी कह रहे हैं, इसमें सारे प्लेन्स शामिल हैं, आत्मिक सेंटर तक, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक, फुल एक्सप्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि हर स्टेज के ऊपर अगर इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस उसकी है तो आत्मिक कॉन्शियसनेस के प्रत्यय भी वो देख सकता है, उसको भी जागृत स्थिति में इन्होंने कहा। ये बहुत आगे की बात है। अब ये कह रहे हैं द कॉन्शियसनेस रेडिएटिंग फ्रॉम द आत्मिक सेंटर through all the planes of manifestation not only provides the radiating and illuminating power to the mind working on any plane but also imparts significance to what is present in the mind in the form of knowledge। ye baat yahan pe kahi ja rahi hai ki ye atmic center tak se sari ki sari knowledge usko leke chal rahe hain, magar inhone agle hi para mein keh rahe hain ki isse hum logon ko illusion se bachna chahiye aur guard rakhna chahiye ki hum log ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द माइंड में, मतलब अपने को गार्ड में रहें, अदरवाइज हमसे गलतियां हो सकती हैं। अभी नेक्स्ट है स्वप्न विकल्प। अब ये नेक्स्ट स्टेज है स्वप्न की, द सो कॉल्ड ड्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वप्न जिसको कह रहे हैं। विकल्प ऑल नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। स्वप्न और ड्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कंप्राइजेस इन इट्स वाइडेस्ट फिलोसॉफिकल सेंस ऑल नॉलेज प्रेजेंट इन द माइंड व्हेन द सब्जेक्टिव सेल्फ इज एंगेज्ड इन मेंटल एक्टिविटी। अब सब्जेक्टिव सेल्फ जो है वो मेंटल एक्टिविटी में है और इट इज एन आइसोलेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। इसका जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है उससे आइसोलेशन पूरी तरह। अब ये बात समझ लें, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं it stands for all activity in the mind in which it is not in contact with the world outside the sense organ। ab sense organ ya pratyay yahan pe uske paas koi bhi object nahi। ab yahan pe ye baat keh ke bata rahe hain ki agar ek mathematician hai wo mental level pe kaam kar raha hai, ek novelist hai wo us level pe kaam kar raha hai, to ye bhi ek swapna state। it is true that in such a case mental image derived from the contact with the external world may be present on the periphery of their consciousness but they are irrelevant to the activity in which they are engaged at the moment। even unhone kaha ki ye pratyay jo hai wahan pe kyunki wo kar raha hai to wo bhi swapna state hi hai ek tarike se। it will be seen therefore that the characteristic feature and swapna state in the absence of contact। ab isme contact ya dependence nahi hai bahari world se, इसलिए ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल पूरी तरह इंगेज्ड है। दिस संस्कृत वर्ड विकल्प हैज नॉट बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डिनरी सेंस। यहाँ पे विकल्प का जो अर्थ था वो कह रहे हैं ऑर्डिनरी सेंस में नहीं है। ये एक्टिविटी ऑर्डिनरी रेवरी या डे ड्रीम यानी श्रद्धा या हमारी दिवा स्वप्न जैसी भी हो सकती है, मगर इससे हमको बहुत आगे की बात ये कर रहे हैं कि ये हमको मेडिटेशन में ये रीच करना है, यानी हमको समाधि की स्टेट तक जाना। अविवेक को माया सुषुप्त, दसवां है अभी सुषुप्ति की बात की जा रही है। सुषुप्ति माने जब हम पूरी तरह सोए हुए हैं,
अविवेको, जब विवेक नहीं है, इनेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड द अनरियल, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जब हमको अपना भान नहीं है, माया कॉज्ड बाय माया और द ग्रेट इल्यूजन व्हिच मेक्स अस सी द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ इंस्टेड ऑफ सीइंग द टू एज टू एस्पेक्ट्स ऑफ द वन रियलिटी. सो सुप्तम, द थर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन देयर इज अवेयरनेस बट नो प्रत्यय. अब कोई भी कंटेंट है ही नहीं माइंड के अंदर. द सुषुप्ति और ड्रीमलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कंप्राइजेस इन इट्स वाइडेस्ट फिलोसॉफिकल सेंस ऑल नॉलेज विद इन द रियल्म ऑफ द माइंड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द रियलिटी कॉज्ड बाय माया. तो अब ये कह रहे हैं कि माइंड इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, माया की वजह से कुछ भी उसको पता नहीं है, तो गहरी नींद में है. आप यहाँ पे एसेंशियल नेचर बता रहे हैं अविवेक का टेमनी जी, कि सेल्फ अवेयरनेस जो है इसकी पूरी तरह कमी है, तो ये अविवेक कहलाता है. इस ऑर्डिनरी स्लीप या सुषुप्ति को सेल्फ अवेयरनेस की कमी बताया गया है, मगर यहाँ पे ये बात कह रहे हैं ये अविवेक जो है ये प्रेजेंट एफोरिज्म में रियल नेचर का है. ये बहुत सूक्ष्म तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको देखना है, क्योंकि द ग्रेट इल्यूजन विच डिप्राइव्स द मोनेड ऑफ द अवेयरनेस ऑफ इज डिवाइन नेचर एंड मेक्स दिस एवोल्यूशन ऑन द लोअर प्लेस ऑफ मैनिफेस्टेशन पॉसिबल. वो कह रहे हैं मोनेड को, इस अवेयरनेस को प्राप्त करना जो है द इल्यूजन लास्ट अंटिल द डिवाइन पोटेंशियलिटीज ऑफ मोनेड आर एडिक्वेटली अनफोल्डेड. जब तक वो पूरी तरह अनावृत नहीं कर लेता है मोनेड अपने पोटेंशियलिटीज को, वो उस नॉलेज को डिवाइन नेचर की नहीं ले सकता. एज द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल बिगिंस टू अनफोल्ड, वो कह रहे हैं जैसे जैसे स्पिरिचुअल नेचर इंडिविजुअल का अनावृत या खुलना शुरू होता है, तो स्पिरिचुअल विवेक उसके अंदर जागृत होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो उसको भेद सकता है जिसकी यहाँ पियर्स करने की बात की जा रही है. इल्यूजन और ग्लैमर, इस दुनिया के सारे ग्लैमर और इल्यूजन्स को हटा सकता है बहुत ईजिली. मगर ये कह रहे हैं कि ये पूरी प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, इस प्रोसेस को कम्प्लीट होना एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, ये सारा का सारा सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. ये तभी डिसअपीयर या समाप्त होगी माया, जब वो सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर लेगा, नहीं तो नहीं कर सकता. तो ये हमको पियर्स करने के लिए पूरी कोशिश करनी है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है. यहाँ देखें तैमनी जी फिर से कह रहे हैं कि हियर अगेन वी शुड नोट दैट द संस्कृत वर्ड सुषुप्ति इज यूज्ड इन वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म सेंस में यहाँ पे सुषुप्ति को यूज किया गया. और ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी ड्रीमलेस स्लीप नहीं है जो एक ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है हर रात को जो सोता है, ये वो नहीं है. दिस ऑर्डिनरी सुषुप्ति स्टेट इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच देयर इज नॉट ओनली नो कंटेंट और प्रत्यय इन माइंड एज इन द जागृत और स्वप्न स्टेट, बट देयर इज ऑल्सो नो अवेयरनेस. तो कहना है कि ये स्टेज ऐसी है जिसमें उसको सेल्फ की कोई अवेयरनेस ही नहीं है, जो बाकी दो स्टेज में थोड़ी थोड़ी थी, यहाँ कुछ है ही नहीं. वाई इज दिस स्टेट ऑफ अविवेक नॉन डिस्क्रिमिनेशन विच कैरेक्टराइजेज ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ कंपेयर टू द सुषुप्ति स्टेट, बिकॉज द नॉलेज ऑफ द माइंड वट एवर इट्स नेचर इज इल्यूजरी फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. वो कह रहे हैं कि जो माइंड का नॉलेज है और जो इसका नेचर है, ये पूरा का पूरा इल्यूजरी है, ये हमने अभी देखा माया से ओतप्रोत है और इसलिए ये अनरियल है. एंड ऑल्सो बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ आवर रियल नेचर, हमारे रियल नेचर का हमें कुछ पता ही नहीं है, विद ए कैपिटल सेल्फ यानी हायर सेल्फ की हम यहाँ पे बिल्कुल अपने को भूल गए हैं. वी लिव अवर होल लाइफ, तैमनी जी कह रहे हैं हम अपनी पूरी जिंदगी इस तरह जीते हैं, अपने रियल नेचर को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं, हमें पता ही नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि ये एसेंशियली डिवाइन है, मगर नहीं है. लेट द सीरियस स्टूडेंट पॉन्डर दिस प्रोफाउंड ट्रूथ. यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने हायर सेल्फ को जानने के लिए अपने को ये जो माया
के आवरण से अपने को निकालना होगा। यानी बार बार ये जो पियर्स करने की बात की जा रही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति की अवस्था में तो ये बहुत ही मुश्किल है हम देखें, क्योंकि जागृत और स्वप्न में तो चांसेस हैं। पहले तो जागृत में ही मुश्किल है, फिर स्वप्न में बहुत मुश्किल है, और सुषुप्ति में तो ये बहुत ही अधिक मुश्किल है। अब थोड़ा सा हम और इसको कुछ एक पॉइंट बचते हैं अभी आज ले लें कि नेक्स्ट राजीव जी कुछ थोड़े से पॉइंट्स बचते हैं, ये थोड़ा लंबा है सातवां सूत्र, एक 5 मिनट ले लें क्या? क्योंकि समय समाप्त हो गया है, तो अभी ये हम इसके बारे में और चर्चा अगले सेशन में ही करेंगे, तीसरे में। तो अभी हम यहाँ पे इसको समाप्त करेंगे। आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने विचारों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, आप कृपया अनम्यूट करके कुछ ऐड या शेयर करना है तो करें। राजीव जी बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, और आखिरी में जो आपने कहा कि हम लोग अपने को जाने समझे, एथेंस में स्टैच्यू है गॉड अपोलो का, वहां लिखा हुआ है नीचे नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। मेरा ख्याल है कि शायद उसी तरफ उनका इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बहुत आवश्यक चीज है। और भी कोई इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये पियर्स करने की बात कर रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया था ये तैमनी जी का, तो ये अभी इसके बारे में 7, 8, 9, 10 के बारे में, ये चूंकि बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तूर्या भोग संवित संभवा, तो ये 7, 8, 9, 10 जो सूत्र हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज तत्वों की बात और इनके साथ इसको कर लिया। अब इसको नेक्स्ट टाइम लेंगे, और अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, इसके बहुत सारे पॉइंट्स अभी हैं जो कि मैं सोच रहा था लूँगा, मगर अभी इसको फिलहाल यहीं पे समाप्त करके, और मैंने कहा कि इसको नेक्स्ट तीसरे पार्ट में लेंगे। बहुत ही बढ़िया माथुर जी, बहुत बढ़िया था, और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने भी कहा इसको हम थोड़ा रेगुलरली और ले लें तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है फिर। लेते हैं हम इसको जून या जुलाई में रख लेते हैं फिर से, कम से कम महीने में एक बारी तो करिए आप इसको। थोड़ा सा जो है अभी मैं जो सोच रहा था थोड़ा पीछे रह गया, अभी वहां तक भी नहीं, मतलब ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया। तैमनी जी का पार्ट हमने हालांकि थोड़ा फास्ट करके कोशिश करी कि मतलब इसको कर ले, मगर अभी इसका और भी कई सारे पहलू और हैं जो इसी के, उनके बारे में चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तो अभी जो है नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ टॉक है ब्रदर एसी कृष्ण। हाँ बताइए माथुर साहब, आपने जागृत अवस्था में सब्जेक्टिव वर्ल्ड से ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जाने के लिए ठीक है, आप ये आपका वैसे डॉक बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था, और तैमनी साहब की किताब में इसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बताया और आपने बहुत इजी वे में बताया। हमारे ऐसे लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि आप इस किताब को या इसको पूरा करेंगे ताकि हम लोग और समझ सकें। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी इसको ये कंप्लीट नहीं हो पाया, जो और इसके और भी इंटीग्रल पार्ट्स थे वो थोड़े से और लेने हैं, क्योंकि मैंने कुछ और भी बुक से थोड़ा सा वो किया है तैमनी जी के अलावा, मगर वो आप नेक्स्ट टॉक में लेंगे। अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। मैं चाह रहा था कि आप जो हैं और रेगुलरली आए हमारे मीटिंग्स के अंदर और हमारे को एनकरेज करें। डॉक्टर साहब ऐसा था कि अभी मैं 2-3 महीने के लिए आई वेंट सर्जरी फॉर स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन, सो आई वाज अनेबल टू, नाउ आई एम समवॉट बेटर, सो आई विल डेफिनेटली, और हम इस टॉक को इसको अवश्य सुनते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत
बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है, इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। और क्योंकि बहुत गैप हो गया था पहला जो आपने 5 सूत्र लिए थे और इसमें, तो उसको एक संक्षेप में जो है अगली बार फिर से आप, मेरा ये निवेदन है कि उसकी कंटिन्यूटी थोड़ी बताइएगा। वैसे मैंने भी एक किताब पढ़ी, एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा फिर वैसे ही नहीं हो पाया। मैं थोड़ा सा सोच ये रहा था कि मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें तत्वों की, तो उसके चक्कर में ये आगे बढ़ ही नहीं पाया। जबकि मैंने बिल्कुल भी छठे तत्व से शुरू किया, छठा मैंने कंप्लीट कर दिया था लास्ट टाइम। थैंक यू, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं, मगर शॉर्ट में लेंगे। राजीव जी ने कहा था ना कि इसको मंथ में एक बार करें, तो हम लोगों को भी जो है पढ़ने का एक वो मिलता है, एक जज्बा मिलता है कि थोड़ा विषय कठिन है और पॉन्डर ओवर करना पड़ता है। मैंने ये किताब पढ़ी थी आज से 7-8 साल पहले, लेकिन वो सब जो है वो बैक ऑफ द माइंड में चली गई थी। आज आपने फिर से उसको फिर से उसके से वो दस्त हटा दी है और फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी प्रस्तुति की आप। माथुर जी, बहुत ही गहन, बहुत गहन विषय है, सर्वसाधारण लोगों के लिए बहुत ही कठिन बात है। और शिव सूत्र में जो बातें कही है, जो एनलाइटेंट की बॉर्डर के ऊपर जो व्यक्ति है जिनकी सोच गहरी है, उनके लिए शिव सूत्र कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन आपने बड़े सरल ढंग से इस कठिनतम विषय की प्रस्तुति की है। और जो अभी बात कही गई सुषमा जी से कि महीने में एक बार, या राजीव जी ने भी यही कहा कि महीने में एक बार इस चीज को आप लिया करो ताकि कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि जो गहनतम विषय होते हैं थोड़े से स्लिप हो जाते हैं माइंड से। तो बहुत बहुत अच्छा रहा आज का, धन्यवाद। अगले टाइम आपको सुनने के लिए हम आते हैं, धन्यवाद। थैंक यू लोखंडे जी, थैंक यू सुषमा जी, बहुत बढ़िया आपने बोला। और हम चाहेंगे अब माथुर जी को मोटिवेशन मिलेगी करने के लिए। थैंक यू, चलिए कोशिश करते हैं, अब इसको अगले महीने या उसमें जून जुलाई में फिर से रखते हैं। थैंक यू, अभी क्लोज करते हैं। ये क्या नाम है, नेक्स्ट टाइम हमारा टॉक होगा स्टडी मेडिटेशन एंड सर्विस के ऊपर। डॉक्टर एनसी कृष्णा, ब्रदर एनसी कृष्णा सीए हैं, उनका टॉक रहेगा, नेशनल लेक्चरर। तो यही टाइम रहेगा और 28 मई को। थैंक यू वेरी मच फॉर कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग प्रेयर करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः।